मैं खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। शादी में दुल्हे ने किया कुछ ऐसा क्राइम कि मंडप से उठा के ले गई उसको पुलिस। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोरोना वायरस का पूरे देश में काफी ज्यादा महामारी हो रही है, इस दौरान ही काफी सारे लोग इस महामारी के बारे में भी जान चुके हैं और उन्होंने अपने आप को सेव करके घर में रख लिया है और वो हेल्दी चीजें खा रही हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं। पर वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना वायरस के बारे में जानने के बाद भी बहुत ही ज्यादा अनजान बन रहे हैं। अनजान बनने के बाद वो काफी सारी चुनौतियों को सामना दे रही है, उस दौरान ही लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। जैसे की कोरोना वायरस चल रहा है, इस दौरान ही काफी सारी जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है, वीकेंड लॉकडाउन पंजाब में भी लगाया गया है। और वहां पर अगर कोई शादी है तो शादी में आप एक्चुअली में वहां के जो कि डिप्टी कमिश्नर है उनसे परमिशन लेके अपनी शादी में सिर्फ 20 लोगों को आने की इजाजत दे सकते हैं। पर यहां पर पंजाब के जलंधर में एक शादी हुई, शादी के दौरान वहां पर 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। इसके बारे में जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में पता लग गई और नजदीकी पुलिस स्टेशन के जो कि एक्चुअली में प्रभारी मुकेश कुमार है वो वहां पर पहुंचे और अपनी टीम के साथ पहुंचे और वहां पर लड़के और लड़की की दादी को गिरफ्तार करके वो एक्चुअली में अपनी पुलिस जीप में बिठा के वो पुलिस स्टेशन ले गए। और वहां पर जाने के बाद उनसे पूछताछ की गई, तब लड़के ने ये चीज बताया कि हमने 20 लोगों को बुलाया था पर वहां पर ज्यादा लोग कैसे पहुंच गए इसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं है। उस दौरान ही वहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लड़का और लड़के की दादी को और लड़की के माँ बाप को वहां पर जो पुलिस स्टेशन है वहां पर बुलाया गया और फिर उनके ऊपर 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर के बाद उनको एक्चुअली में जमानत दे दी गई। इस दौरान ही दूल्हा जो है वो वापस मंडप गया, अपनी बीवी को एक्चुअली में गाड़ी में बिठा के अपने घर वापस चला गया। इस दौरान ही वहां पर मुकेश कुमार जो प्रभारी है उन्होंने ये चीज बताई कि यहां पर हमें सूचना मिली थी कि एक मंदिर में शादी हो रही है, उस दौरान ही वहां पर काफी सारी भीड़ जमी हुई है और वहां पर कोई भी परमिशन नहीं ली गई है जिसके कारण हमें सख्त से सख्त एक्शन उठाना पड़ा। आई होप गाइज आप लोग को जानकारी काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी और आप लोग भी जो प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।